हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। साउथ दिल्ली के अंसल प्लाजा में इस समय एबीपी न्यूज की टीम मौजूद है और बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस मंच पर अब से बस कुछ ही क्षणों बाद एक बहुत ही खास शख्सियत जुड़ने वाली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमारे साथ होंगे। अरविंद केजरीवाल ने गारंटी कार्ड दिया है देश की, दिल्ली की जनता को। तो कितने खरे उतरेंगे वो अपने इस गारंटी कार्ड को लेकर, उस पर भी होंगे तीखे सवाल। और मेरे साथ इस मंच पर मेरी सहयोगी प्रतिमा भी मौजूद है। बिल्कुल, देखिए इस 10 गारंटीज पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये 10 गारंटीज लोगों के बीच लेकर जाने वाले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो बिल्कुल देर न करते हुए उन्हें मंच पर आमंत्रित कर लेते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका, बैठिए सर। पहले तो मेरी शुभकामनाएं, 8 फरवरी को चुनाव है, शुक्रिया, पूरा दमखम के साथ आप आजमा रहे हैं अपने को। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मुझे सियासत नहीं आती, मुझे राजनीति नहीं आती, लेकिन रिपोर्ट कार्ड और गारंटी कार्ड के जरिए सबसे बड़ा सियासी दांव खेलते हैं। कैसे मान लें कि आपको सियासत नहीं आती? हमें काम करना आता है बस, राजनीति करने नहीं आती। पिछले 5 साल में हम लोगों ने पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ 24 घंटे लग के काम किया। इन सब लोगों के साथ मिलके, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके हम लोगों ने दिल्ली के स्कूल ठीक किए, अस्पताल ठीक किए, दिल्ली की सड़कें ठीक की, बिजली ठीक किया, पानी ठीक किया, बहुत सारे काम किए। और दिल्ली के हर परिवार का बड़ा बेटा बनके मैंने हर परिवार के बिजली के बिल, पानी के बिल, उनके घर में अगर कोई बीमार हो जाए उसके इलाज का इंतजाम, हर घर के बच्चों के पढ़ाई का इंतजाम, हर घर के सभी बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने की जिम्मेदारी मैंने निभाने की कोशिश की। लेकिन अरविंद जी, मैं आपको ये बता दूं कि आप चाहे माने, कहें या ना कहें कि मुझे सियासत नहीं आती, लेकिन आपने ये जो सियासी दांव चला है रिपोर्ट कार्ड का और गारंटी कार्ड का, बड़े बड़े राजनीति के धुरंधर पस्त हैं। क्यों प्रतिमा? बिल्कुल, और धरने भी किए आपने, ये बताना आप भूल गए कि 5 साल खूब धरने भी किए हैं। एक धरना LG साहब के यहाँ किया था, इनके इन लोगों के यहाँ CCTV कैमरे लगाने के लिए। अच्छा चलिए, मेरा सवाल ये है कि आपका नामांकन बड़ा दिलचस्प रहा, सुर्खियां बटोर ली उसने। मतलब हम लोगों को लग रहा था कि सुर्खियां इसलिए बनेंगी कि अरविंद केजरीवाल को टक्कर कौन देता है, बीजेपी का उम्मीदवार कौन होता है, कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होता है। सुर्खियां वो नहीं बनी, सुर्खियां नामांकन वाले दिन में आपका जो इंतजार था, आपके खिलाफ जो उम्मीदवारों की लंबी लाइन थी वो बनी। कोई टोटका तो नहीं था? मैं 2015 की तरह मैं अपने खिलाफ उम्मीदवार क्यों खड़े कराऊंगा? नहीं नहीं, मतलब एक दिन हम रोड शो निकालते हैं और उसके अगले दिन हम नामांकन भरते हैं, ऐसा 2015 में भी किया था, 67 सीटें जीती थी, तो शायद वो स्टोट का नहीं। उस दिन एक्चुअली दोनों बार ऐसा हुआ कि जनता बहुत आ गई थी रोड शो के अंदर, तो मैं उनको बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहता था। रोड शो थोड़ा लंबा चल गया, तो अगले दिन जब मैं गया तो मैंने देखा इतने सारे लोग चुनाव लड़ने के लिए खड़े थे, आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ, तो मुझे अच्छा लगा कि लोग जनतंत्र में हिस्सा ले रहे हैं, आम लोग चुनाव लड़ने के लिए पर्चे भर रहे हैं। मेरा 45वां नंबर था, तो अंदर बैठ के सबके पर्चे भरवाए मैंने भी उनके साथ। आपको पता है, बहुत दिलचस्प बात आपको बताती हूँ, शायद आपको पता नहीं होगा, आपके खिलाफ जो नामांकन भरने वाले लोग थे उसमें आपके भी एक उम्मीदवार, आप यानी अनजान आदमी पार्टी। अच्छा, और भी कई सारे थे, तो उनके साथ अच्छे बीते मेरे 6 घंटे बातचीत हुई लाइन में खड़े हुए, 6 घंटे लाइन में नहीं, अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में सब लोग बैठे हुए थे,
तो उनके साथ 6 घंटे बैठ के अरविंद जी मैं फिर कहूंगी आप सियासत सीख गए हैं। नहीं, अगर हमें आप काम ये कह रहे हैं हमें काम करने की सियासत आती है, दिल्ली का मुख्यमंत्री 6 घंटे पेशेंस के साथ इंतजार करता है और फिर बाहर आके ये कहता है कि मेरा समय बहुत अच्छा बीता, तो इसको तो मैं बहुत मजा हुआ खिलाड़ी ही कहूंगी। शब्दों से खेलने में ये जो IITian मुख्यमंत्री हैं, शायद इन्हें हरा पाना इतना आसान नहीं होगा। और इसीलिए अगला सवाल मेरा आपके गारंटी कार्ड को लेकर है। आप ये कहते हैं कि बिजली पानी हर चीज जो है वो आप वादा कर रहे हैं। आपने एक बहुत बड़ा वादा किया है कि तार नहीं होंगे, तार नहीं दिखेंगे, सब अंडरग्राउंड होगा। लेकिन आपने भी देखा होगा अरविंद जी कि सड़क बनती है और उसके बाद खोद दी जाती है। जो इंटर एजेंसी जो आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो नहीं है। तो दिल्ली सरकार की कोशिश अच्छी हो लेकिन जनता तो परेशान होती है। हाँ, ये प्रॉब्लम रहती है, लेकिन हमारे टाइम में इसको मैंने पर्सनली मॉनिटर करवाया है कि अगर कहीं भी पानी की पाइपलाइन डले, सीवर की पाइपलाइन डले, तारें पड़े और अगर सड़क खोदी जाए तो उसको कोशिश करते हैं जल्द से जल्द डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करवा के और उनको जल्द से जल्द उस सड़क को ठीक करवाने की। ये जो तारों वाली बात है ये जरूरी है क्योंकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां हाई टेंशन वायर गुजर रहे हैं और वो सेफ्टी हैजर्ड है, कई बार वहां पे लोगों को चिपक के मौत हो जाती है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे बहुत ज्यादा तारों का जंजाल बना हुआ है और बहुत गंदा लगता है और सेफ्टी हैजर्ड है, उन सारे इलाकों में हाई टेंशन वायर भी और ये जो तारों का जंजाल है इसको अंडरग्राउंड करके और साफ सुथरी सेफ जिंदगी हम लोगों को देंगे। ये कैसे कर पाएंगे, कोई प्लान तैयार किया है इसके लिए? इसमें प्लान की जरूरत नहीं है, बिजली कंपनियों को फंड देने पड़ेंगे, फंड दे देंगे वो कर देंगे। इट्स प्रीटी सिंपल। और बिजली वाले मुद्दा चुने कि आपने उठाया, मैं ये बता दूं क्योंकि वो बीजेपी वाले चिल्ला रहे हैं कि 31 मार्च तक 200 यूनिट बिजली फ्री है, वो तो 5 गुना देने की बात कर रहे हैं। उस पर भी आता हूं मैं। तो पहली बात तो मैं सबको ये अश्योर कर दूं वो झूठ बोल रहे हैं। जब तक आपका केजरीवाल है तब तक आपकी 200 यूनिट बिजली मुफ्त रहेगी। आपको 5 साल 10 साल जब तक आप मेरे को मुख्यमंत्री रखोगे आपकी 200 यूनिट बिजली फ्री है। जी, अब आपने जब मुफ्त शब्द का इस्तेमाल और कर जो दिया वो 5 गुना कह रहे हैं जी, तो 5 गुना मतलब क्या 200 की बजाय 1000 यूनिट बिजली फ्री देंगे वो? अब अर्थ तो यही है, बताओ 1000 यूनिट बिजली कोई दे सकता है फ्री? तो मजाक कर रहे हैं, मतलब जनता को ऐसे लग रहा है उनको दिल्ली की सारी जनता बेवकूफ है। और अगर उनको देनी है तो हरियाणा में करके दिखा दें, चुनाव के पहले अभी हरियाणा में कर दें, उत्तर प्रदेश में कर दें, हम मान लेंगे दिल्ली वाले कि भाई दे देंगे ये। अब जब आपने मुफ्त शब्द का इस्तेमाल कर दिया है तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि विपक्ष के निशाने पर सबसे ज्यादा अगर कोई शब्द है तो वो मुफ्त है। आप मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त बस राइड, विपक्ष का यह आरोप है कि जनता के खजाने से पैसा निकालकर ये जो मलाई बांटी जा रही है या जनता को जो मलाई खिलाई जा रही है उसको आप परफॉर्मेंस या डेवलपमेंट कैसे मान सकते हैं? मैं एक और आपने कल एक ट्वीट भी किया है, मेरा सवाल भी को लेकर आपने कल ट्वीट भी किया है, मैं पहले इसका जवाब। और विकास और बेहतरी के नाम पर आप वोट मांग रहे हैं तब जब वो जनता का ही पैसा है, इसको परफॉर्मेंस नहीं कहा जा सकता? 70 साल में इस देश में नेताओं ने मलाई खाई है, पहली बार कोई आया है जो जनता को मलाई खिला रहा है। बताओ इससे अच्छी बात है, आपने खुद ही बोला कि आप जनता को मलाई खिला रहे हो। अरविंद जी, तो जनता को मलाई खिलाने वाला नेता तो अच्छा हुआ ना जी, लेकिन वो तो जनता का ही पैसा है ना। हाँ। उसका क्रेडिट अरविंद केजरीवाल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि केजरीवाल ने पैसा लूटा नहीं है। मैं आपको अब थोड़ा सा सीरियस नोट पे बता देता हूं जी। 5 साल में मैंने आपका टैक्स नहीं बढ़ाया, उल्टे टैक्स कम किया। जब वैट होता था हमने 12% से वैट घटा के 5% कर दिया सारी चीजों पे, तो आपका टैक्स कम किया, ठीक है। हमने दिल्ली का बजट घाटे में नहीं करा। अगर मैं पैसे बांट लेता, फ्री में कर देता और बजट घाटे में चला जाता तो आप कहते केजरीवाल गलत कर रहा है जी, बजट घाटे में कर दिया। हमने कहीं से लोन नहीं लिया। अगर मैं कहीं से लोन ले लेके और पैसे बांटता तो आप कहते भाई बच्चों के ऊपर लोन चढ़ा रहा है, हमारे बच्चों के, लोन भी नहीं लिया, घाटे में भी नहीं किया। मैंने क्या किया? मैंने पैसा बचाया, जो पैसे रिश्वतखोरी में भ्रष्टाचार में चले जाया करते थे वो पैसे बचाए।
जैसे वजीरपुर वाला फ्लाईओवर बना, ये 325 करोड़ का बनना था, हमने 225 करोड़ में पूरा करके 100 करोड़ रुपए एक फ्लाईओवर में बचा लिए। ऐसे कर करके पता नहीं कितने पैसे बचाए हर सरकारी प्रोजेक्ट में। उस पैसे को बचा के फिर हमने सोचा क्या सहूलियत दें, तो हमने कहा इनके बिजली के बिल कम कर दो, इनका पानी फ्री कर दो, इनकी महिलाओं का, इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, इनका किराया मुफ्त कर दो। बताओ क्या गलत किया। दूसरा, हमने फिजूल खर्ची बचाई। यहां पे बहुत सारे बीजेपी वाले भी होंगे, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, देखो जी, आप चाहे बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से हो, 5 साल आपका ख्याल केजरीवाल ने रखा था, रखा था नहीं रखा था? आपके घर के बच्चों की पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई का इंतजाम मैंने किया है, आपके घर की महिलाओं की फ्री बस यात्रा मैंने करी है, आपके घर में कोई बीमार हुआ उसके दवा दारू का इंतजाम मैंने करा है, आपके घर के बिजली का बिल मैंने ठीक करा है, आपके घर के चाहे बीजेपी वाले हो चाहे कांग्रेस वाले हो, मैंने। अब चुनाव के पहले अमित शाह जी अपने किसी कार्यकर्ता के यहां रोटी खाने गए कल, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन मैं बीजेपी के और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, बड़ी मुश्किल से रात दिन मेहनत करके हम लोगों ने स्कूल अस्पताल ठीक करे हैं। आप बीजेपी में हो, बीजेपी में ही रहो, आप कांग्रेस में हो, कांग्रेस में ही रहो, वोट इस बार सारे जने झाड़ू पे दे देना केजरीवाल जी, क्योंकि आपने, अगर आपने किसी और पार्टी को वोट दिए, बड़ी मुश्किल से स्कूल अस्पताल ठीक करें, फिर खराब हो जाएंगे। केजरीवाल जी, वालों से आप बात कर रहे हैं, इनको इनको आपकी, इनको आपकी याद, अरविंद जी एक मिनट में अभी, इन लोगों को आपकी याद चुनाव के पहले आती है, चुनाव के पहले रोटी खाने आ गए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब हमारे भाजपा के कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं के घर में लोग बीमार थे, तब नहीं आए आपका इलाज कराने? आप कह रहे हैं तब केजरीवाल आया था आपका इलाज कराने? अरविंद जी आप कह रहे हैं, जब आपके बच्चों की पढ़ाई ठीक नहीं हो रही थी तो नहीं आए ये? जब आपके बिजली के बिल ज्यादा आए अरविंद जी, और आपके घर में महंगाई कर दी इन लोगों ने, पूरे देश में महंगाई कर दी, ये आपके घर में नहीं आए? केजरीवाल काम आएगा अगले 5 साल भी, सारे जने, हम सारे दिल्ली वाले 2 करोड़ लोग एक परिवार की तरह हम लोग, ये सारा मेरा परिवार है, तो बीजेपी 2 करोड़ लोग मेरा परिवार है, ये चाहे बीजेपी वाले हो चाहे कांग्रेस वाले हो, जो मर्जी हो, ये मेरे हैं सारे। अच्छा अरविंद जी, इनका मैं हूँ, मैं ये मेरे हैं। अरविंद जी एक सवाल मेरा सुन लीजिए, प्रतिमा हम, मैं और आप, हम दोनों ही स्टूडियो में थे, और आप भी हमारे ही हो, आपके भी केजरीवाल ही काम आएगा। अमित शाह का भाषण हम लोग सुन रहे थे, तो अमित शाह जो है वो सीए का जिक्र कर रहे हैं, अनुच्छेद 370 का जिक्र कर रहे हैं, मतलब राष्ट्रीय मुद्दों को वो स्थानीय राजनीति पे हावी करने की कोशिश, जैसा कि झारखंड में भी उन्होंने किया पर सफल नहीं हुए। क्या अरविंद केजरीवाल को इसी गलती का फायदा मिल रहा है दिल्ली में? नहीं, 3 दिन से उन्होंने रियलाइज कर लिया कि दिल्ली में ये नहीं चलेगा। अब 3 दिन से अमित शाह जी की हर स्पीच सुनता हूं मैं, तो आपको देख के रणनीति बदल दी? नहीं, 3 दिन से अमित शाह जी वाईफाई की बात कर रहे हैं, स्कूलों की बात कर रहे हैं, बैटरी खत्म हो गई ढूंढते ढूंढते, वो कह रहे हैं मैं वाईफाई ढूंढते ढूंढते बैटरी खत्म हो गई। मैंने उनको कहा जी आपकी फ्री बैटरी का भी इंतजाम कर रखा है, 200 यूनिट बिजली फ्री है। आप कह रहे थे कांग्रेस वाले बीजेपी वाले जहां है वहां रहे। दिल्ली में अमित शाह जी के मुंह से जब हम सुनते हैं, स्कूलों का नाम सुनते हैं, अच्छा लगता है, दिल को शांति पड़ती है कि अमित शाह जी भी स्कूलों की, अस्पतालों की, वाईफाई की, सड़कों की बात कर रहे हैं। कांग्रेस वाले बीजेपी वाले तो आपके साथ आ गया। कल वो अमित शाह जी ने, कल अमित शाह जी ने पता है क्या बोला? बोले दिल्ली के स्कूल खराब हैं, शिक्षा खराब है। मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूं, दिल्ली के 16 लाख बच्चों ने मेहनत करके स्कूल ठीक करे हैं, दिल्ली के 16 लाख बच्चों के माँ बाप ने मिलकर स्कूल ठीक करे हैं, आज 96% नतीजे आए हमारे स्कूलों के। ये केजरीवाल ने मेहनत नहीं करी थी, बच्चों ने रात दिन मेहनत करी थी, बच्चों के माँ बाप ने रात दिन अपने बच्चों के साथ पढ़ाई करवाई थी, टीचर्स ने मेहनत करी थी, उनकी मेहनत का आप मजाक उड़ाते हो? आप अगर एक स्कूल, इन्होंने बीजेपी वालों ने पूरे देश में इतनी जगह इनकी सरकारें हैं, एक स्कूल ठीक कराओ बता दो। आज दिल्ली में सारे स्कूल इतने अच्छे हो गए, सारी दुनिया तारीफ कर रही है, आप दिल्ली के टीचर्स का, प्रिंसिपल्स का, स्कूल के बच्चों का मजाक उड़ाते हो?
ये तो सही नहीं है ना, तो अच्छी बात है आपको फायदा हो रहा है। वाले बीजेपी और कांग्रेस वाले अब आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं, आज हरसिमरत सिंह बल्ली को भी आपने शामिल करवाया। सब देश के सब अच्छे, मेरी एक सपना है कि एक दिन दिल्ली के 2 करोड़ लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। अच्छा अरविंद जी, मैं अगले सवाल का, प्रतिमा ने आपसे बहुत अच्छा सवाल पूछा और आपने उसका जवाब भी बहुत बखूबी दिया। मेरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर भाषण में कहते थे कि इनका एजेंडा है मोदी हटाओ, ये चाहते हैं मोदी हटे, पर मैं चाहता हूं कि आतंकवाद हटे। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ये सब एक हैं, ये चाहते हैं केजरीवाल हटे और केजरीवाल चाहता है कि भ्रष्टाचार हटे। तो अमित शाह आपको कॉपी कर रहे हैं, आप मोदी को कॉपी कर रहे हैं? कोई किसी को कॉपी नहीं कर रहा जी। अब पहली बार देश की राजधानी में, राजनीति में, इस बार ये सारे कांग्रेस, जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी, अकाली दल और कौन कौन से हैं, आरजेडी, इन सारों ने गठबंधन कर लिया। और सारों का क्या मकसद है? केजरीवाल को हराना। और तो कुछ नहीं कह रहे, कोई इन्होंने एजेंडा दिया दिल्ली का? कोई इन्होंने बताया कि क्या करेंगे 5 साल में? मैं बता रहा हूं क्या करूंगा 5 साल में। मैं बता रहा हूं मैं यमुना साफ करूंगा, मैं बता रहा हूं मैं प्रदूषण दूर करूंगा, मैं पूरी प्लानिंग करके आया हूं, लिख के लेके आया हूं, साइन करके दूंगा आपको। मैं कह रहा हूं मैं प्रदूषण दूर करूंगा, यमुना साफ करूंगा, मैं दिल्ली की सड़कें साफ करूंगा, दिल्ली की साफ सफाई करूंगा, बिजली मुफ्त करूंगा, पानी मुफ्त करूंगा, आपके बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करूंगा, सारा कुछ दे रहा हूं। और ये कह रहे हैं, सारे इकट्ठे हो गए, ये सारे सारी पार्टियां कह रहे हैं केजरीवाल हटाओ। आप लोगों के बारे में पता क्या कहा जाता है कि एक बयान राहुल गांधी देते हैं, अगले दिन वही बयान केजरीवाल देते हैं और अगले दिन वही बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान देते हैं। क्या रिश्ता है? कब? जैसे कोई एग्जांपल दो। अब मैं कैसे दे सकती हूँ, ये तो आप पर आरोप लगा दिया। कहने दो, ये इनकी राजनीति में मत जाओ, आप भी उलझ गए इनके साथ। इनको सुनना बंद कर दो थोड़े दिन, देश अच्छा गुजरेगा। तो आप अमित शाह को सुन रहे हैं। अरविंद जी से मेरा सवाल ये है कि आप लगातार विपक्षी दल आपके खिलाफ कोई स्ट्रांग कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाए। आप, हालांकि मुझे पता है कि बहुत पॉलिटिकली करेक्ट होकर ये बोलेंगे मैं किसी को कमजोर नहीं मानता हूं, मैं जानती हूं कि आप बहुत शार्प हैं, आपको मेरा आंसर पता ही है शब्दों में, लेकिन मेरा सवाल इससे इतर है, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इसी कमी का फायदा अरविंद केजरीवाल को हो रहा है, या अरविंद केजरीवाल खुद अंदर खाने ये कहीं ना कहीं चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल वर्सेज मोदी हो, जो बनारस की हार था उसका तंज कहीं ना कहीं नहीं, मन में है। मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, मेरी किसी पार्टी से द्वेष नहीं है, किसी इंडिविजुअल से द्वेष नहीं है, एक ही काम है, इन दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलकर दिल्ली को दुनिया का नंबर 1 शहर बनाना, लेकिन दिल्ली तो के हर परिवार की जिंदगी में सुकून लाना। बहुत महंगाई हो गई है, पूरे देश में महंगाई हो रही है, किसी को आम आदमी की चिंता नहीं है। जब पूरे देश में महंगाई हो रही थी तब हम लोगों ने दिल्ली के बिजली के बिल माफ कर दिए, बिजली लोगों के पानी के बिल माफ कर दिए, बताओ क्या गलत किया? मेरा यही मकसद है, इन सब के साथ मिलके इनके परिवार का ख्याल रखना, अपने पूरे दिल्ली के लोगों का ख्याल रखना और दिल्ली को अच्छा बनाना। लेकिन ये जो मोदी वर्सेस केजरीवाल दिल्ली में हो गया है, अगर अरविंद केजरीवाल जीतते हैं तो क्या ये मोदी की हार होगी? ये दिल्ली के कामों की, जो आम आदमी पार्टी ने 5 साल काम किए हैं, इसकी जीत होगी। एक नई किस्म की राजनीति देश के अंदर पैदा होगी। आज तक 70 साल में एक भी, आप लोग तो एंकर्स हो और काफी पॉलिटिक्स की जानकारी है, आप मुझे 70 साल के भारत के इतिहास में एक वाक्या बता दीजिए जब किसी पार्टी ने जनता को आके कहा हो कि मैंने स्कूल बनवाए इसलिए वोट दे दो, मैंने अस्पताल बनवाए इसलिए वोट दे दो। 70 साल में किसी ने स्कूल, अस्पताल, बिजली पानी पे वोट मांगा है? नहीं मांगा। आप लोग पहली बार हो रहा है, इसका स्वागत होना चाहिए। अगर ये जीत होगी, इन लोगों की जीत होगी, इन्होंने देश की राजनीति को बदला है। एमसीडी के नाम पर वो कहते हैं कि भाई 3 इंजन की सरकार होनी चाहिए, केंद्र में भी हम, दिल्ली में भी हम, एमसीडी में तो हम हैं ही, तभी काम स्मूथली हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। हरियाणा में तो 3 इंजन है, बेड़ा गर्क कर रखा हरियाणा का। उत्तर प्रदेश में भी 3 इंजन है, सबसे बड़ी पार्टी और पता नहीं कितने इंजन है उत्तर प्रदेश के बावजूद। एमसीडी का चुनाव वो जीते, आप हारे, उसके अलग अलग इन लोगों को लगा एमसीडी में नहीं होना चाहिए केजरीवाल। अरविंद जी, अगर इतना बेड़ा गर्क किया हुआ है तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के कैसे उभरी है हरियाणा में? जनता में जेजेपी का सहारा लेना पड़ा, पर लेकिन सबसे बड़ी पार्टी,
जनता मालिक है, जनता जो तय करती है जनता। अच्छा, अब आप क्योंकि जीतते हुए नजर आ रहे हैं, आपका खुद का आकलन भी यही है और तमाम एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स आपके हक में जाते हुए। एक बार ताली बजा दो इनकी बात को। नहीं, ओपिनियन पोल मैंने खुद ने किया था इसलिए मुझे मालूम है। मैं अरविंद जी, मेरा सवाल ये, इसीलिए खुल के मोदी को क्रिटिसाइज करना आपने बंद कर दिया, क्योंकि पहले तो आप मोदी साहब का बहुत जिक्र करते थे, अपने हर भाषण में जिक्र करते थे। ऐसा नहीं है, मैंने कहा मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी पार्टी से, इंडिविजुअल से। जब भी इनके काम फंसते थे, इनका सीसीटीवी कैमरे फंसे, तो मैं एलजी साहब के पास गया, मैंने हाथ पैर जोड़े उनके, बहुत मनाया। जब वो नहीं माने तो फिर धरना करना पड़ा। तो जब भी इनके काम फंसते हैं तभी मैं, बिजली सस्ती करानी हो, पानी सस्ता कराना हो तभी मैं, नहीं तो मैं किसी के खिलाफ। शाहीनबाग के लोगों को आप ही ने तो नहीं सिखा दिया धरना प्रदर्शन करना, धरने पे बैठना? धरना सिखाने की क्या जरूरत है, जब लोगों को तकलीफ होती है किसी चीज की तब लोग सामने आते हैं। देखो जी, 10 चीज की गारंटी दे रहा हूं। बिजली की, 24 घंटे बिजली आ रही है, आती रहेगी। 200 यूनिट बिजली फ्री रहेगी। पानी, अभी कई इलाकों में पानी नहीं आया करता था, हमने पानी का इंतजाम कर दिया। अब हमारा मकसद है 24 घंटे पानी देना। कई जगह 1 घंटा आता है, आधा घंटा आता है, कई जगह 2-2 दिन में एक बार आता है। मैंने पानी का इंतजाम कर लिया, अब 24 घंटे पानी आपको देना और साफ पानी आपकी टूटी में देना। और जो 20,000 लीटर पानी मुफ्त है, ये तब तक जारी रहेगा जब तक केजरीवाल है आपका। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, पैदा होने से लेकर ग्रेजुएशन तक की शिक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। हर परिवार को अच्छा इलाज देना, अच्छे से अच्छा इलाज देंगे, और अस्पताल खुलवाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाएंगे, पॉली क्लिनिक खुलवाएंगे। अभी गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपने पर्सनल यूज के लिए एक हेलीकॉप्टर खरीदा 191 करोड़ रुपए का। मैंने इन सारी महिलाओं का यात्रा फ्री करने पे 140 करोड़ रुपए खर्च किए। मैंने अपने लिए हेलीकॉप्टर नहीं खरीदा, इनकी यात्रा फ्री कर दी। तो बताओ मैंने क्या गलत किया? तो फ्री करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फ्री करने से अगर जनता पे बोझ पड़ता हो, लोन लेना पड़ता हो, घाटे में बजट जाता हो, टैक्स बढ़ाया जाता, तब गलत है। मैंने आपका पैसा बचा के आपको वापस करा, चोरी नहीं करी, डाका नहीं डाला, स्विस बैंक में नहीं ले गया, अच्छा ही करा मैंने। ठीक है, चलिए, मेरा सवाल यह है कि दिल्ली की चुनाव की जब तक तारीख का ऐलान नहीं हुआ था, प्रचार प्रचार की शुरुआत हो गई थी और बात हो रही थी मुद्दों की, काम की। आप भी लोगों के बीच जा रहे थे, अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जा रहे थे, आपने लोगों को कहा कि ये रिपोर्ट कार्ड है, इसके आधार पर वोट दीजिए। पर अब वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि साइडलाइन हो गया है। अब बात भारत पाकिस्तान की हो रही है, हिंदू मुसलमान की हो रही है, शाहीनबाग का मुद्दा जो है वो बीच में आ गया है, आपकी पार्टी छोड़कर गए कपिल मिश्रा किस तरीके के बयान दे रहे हैं, ट्विटर पर लिख रहे हैं कि इस बार जनता को तय करना है कि भारत जीतेगा कि पाकिस्तान जीतेगा। उनको, कपिल मिश्रा जी को तो इलेक्शन कमीशन ने अभी डीबार कर दिया, अभी किया, 48 घंटे तक उनके खिलाफ एक्शन लिया है। तो वो जो कुछ भी बोल रहे हैं वो देश हित में नहीं है, इलेक्शन कमीशन का भी, भारत सरकार का भी ये मानना है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं कि मुद्दों पर बात होनी चाहिए, काम पर बात होनी चाहिए? बात मैं भी यही मानता हूं, काम पे बात होनी चाहिए। उनके पास काम करने के लिए बात ही नहीं है, उनके पास काम करने के लिए काम के मुद्दे नहीं है। 10 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं अरविंद जी, शाहीनबाग के चलते। हाँ, प्रतिमा, मैं यही सवाल अरविंद जी आपसे उठाना चाहती हूँ कि दिल्ली की सियासत जो है वो शाहीनबाग पर सिमट गई है, ये हम आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। मेरी अरविंद केजरीवाल से मेरा ये सवाल नहीं है कि आप शाहीनबाग नहीं गए, क्यों नहीं गए, ये आपकी चुनावी रणनीति होगी और इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरी शिकायत ये है, एक दिल्ली के नागरिक होने के नाते, कि अरविंद केजरीवाल जो ये कहते थे कि दिल्ली की जनता को अगर कोई परेशानी होगी तो मैं सबसे पहले उनके साथ, उनके सामने खड़ा होऊंगा, दिल्ली के 10 लाख से ज्यादा लोग परेशान हैं, आप शाहीनबाग क्यों नहीं समझाने गए उन लोगों को कि यहां से उठे धरना या तो किसी पार्क में दें या जंतर मंतर पर दें? ये शिकायत है दिल्ली के मुख्यमंत्री से, मुझे एक नागरिक होने के नाते। अब इसमें दो चीज है। पहली चीज तो बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बना, उन्होंने कोई काम वाम नहीं किया, हमने इतना अच्छा काम किया, उनको कामों में कोई कमी नजर नहीं आ रही, तो वो कामों की तो बात करना नहीं चाहते, है ना। दिल्ली का ये चुनाव केवल और केवल काम पे हो रहा है। कहीं चले जाओ दिल्ली की गली में, लोग कहेंगे जी केजरीवाल ने काम तो बड़े अच्छे किए, केजरीवाल ने काम तो बड़े अच्छे किए। सारी दिल्ली के अंदर यही चर्चा हो रही है।
अब इस मुद्दे पे मैं कहता हूं कि केंद्र सरकार ने ये कानून पास किया, केजरीवाल ने कानून पास नहीं किया, पर दिल्ली की जनता परेशान हो रही है शाहीनबाग के धरने से। मैं आ रहा हूं उस पे। केंद्र सरकार ने कानून पास किया जिस कानून को लेके शाहीनबाग नहीं पूरे देश के अंदर बवंडर मचा हुआ है। मचा हुआ है कि नहीं मचा हुआ है? पूरे देश के अंदर हंगामा हुआ पड़ा है, केवल शाहीनबाग में नहीं है, पूरे देश के अंदर हंगामा मचा पड़ा है। मुझे ये लगता है अमित शाह जी को, जो कि गृहमंत्री हैं देश के, वहां जाना चाहिए, जाके उन लोगों से बातचीत करनी चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि भाई जो भी वो कहना चाहते हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए एक तरफ। दूसरी तरफ जो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि आपको शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, किसी भी ऐसा काम करने का अधिकार नहीं है जिससे जनता को परेशानी हो। अरविंद जी, शाहीनबाग जाके क्यों नहीं कहा ये आपने? मैं क्या कह सकता हूं, अमित शाह जी को जाना चाहिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री अमित शाह जी के तौर पर आपको नहीं जाना चाहिए? अगर मेरा किया हुआ कोई कानून होता तो मैं जाके उनको समझाता। मेरे को तो खुद ही ये कानून समझ नहीं आ रहा इन्होंने पास क्यों करा ये कानून। अभी इस टाइम पूरे देश को किस चीज की जरूरत है? नौकरी की जरूरत है, होनी चाहिए नौकरी नहीं होनी चाहिए? बच्चों को नौकरी चाहिए नहीं चाहिए? वो नौकरी नहीं देते, वो कभी सीए कभी एनआरसी कभी एनपीआर कभी फलाना कभी ढिमका की बात करेंगे। तो मेरा कहना है जाके समझाओ अब उनको, तुम्हारा किया हुआ बखेड़ा है। कह रहे केजरीवाल क्यों नहीं जाता, अरे भाई तुम्हारा किया हुआ बखेड़ा, तुम जाओ तुम समझाओ उनको। चलिए अरविंद केजरीवाल जी, एक आखिरी छोटा सा सवाल लूंगी और फिर जनता का रुख करूंगी, क्योंकि जनता बहुत देर से आपका इंतजार कर रही थी अपने सवालों के साथ। आप कह रहे हैं कि मेरी सरकार पहली सरकार है जो प्रॉफिट में चल रही है, ये जो इनकम टैक्स कमीशन, ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएजी ने कहा है, अभी रिपोर्ट आई है। अच्छा। सीएजी की रिपोर्ट ने यह कहा है कि 70 साल के भारत के इतिहास में दिल्ली सरकार अकेली सरकार है जो नफे में चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है, बाकी देश की सारी सरकारें घाटे में चल रही हैं। दिल्ली की भी सरकार, वो कह रहे हैं 5 साल से ही फायदे में चल रही है, उसके पहले घाटे में चल रही थी। तो पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री होने का थोड़ा मैं तो यही कह रही हूँ कि अब क्या हम ये करें हर राज्य में कि इनकम टैक्स कमिश्नर को ढूंढें और उसके बाद उसको पढ़े लिखे आदमी को बनाओ, पढ़े लिखे आदमी को बनाओ, क्योंकि इनकम और अच्छी नीयत वाले को बनाओ, ईमानदार आदमी को बनाओ। चलिए अरविंद जी, ये तो आपने सभी नेताओं पे उंगली उठा दी, ये कह नहीं, मैं नहीं कह रहा, जनता से मैं कह रहा हूँ भाई, पढ़े लिखे को बनाओ, ईमानदार को बनाओ, बस। दर्शकों से सवाल लेते हैं, दर्शकों के कोई सवाल है तो वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछ सकते हैं, और थोड़ा जल्दी जी। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते सर, बहुत अच्छे मतलब सुविधा कर रहे हैं, पानी बिजली लाइट और सीवर इवर की लाइन डाल रहे हैं। बसों में जाते हो? बसों में जाते हैं। फ्री है? हाँ जी। फायदा हो रहा है? हाँ जी। कैमरे लगा रखे सब जगह। खुश हो? हाँ जी हाँ जी। कहाँ रहते हो? कोटला में। बहुत अच्छे, आपकी सरकार ही आना चाहिए। बहुत अच्छे, थैंक यू। से आप ही को वोट जाएगा केजरीवाल को। चलिए इससे पहले सर हम अगले सवाल, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, इससे पहले हम अगले सवाल का रुख करें। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि हम शाहीनबाग की चर्चा कर रहे थे तो संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ट्वीट किया है एक वीडियो, वो कह रहे हैं शाहीनबाग में टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो एक्टिव हो गया है, वो असम के टुकड़े करने की बात कर रहा है, देश के टुकड़े करने की बात कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे? क्या है उस वीडियो में? उस वीडियो में एक शख्स है जो कि लोगों से इस तरीके की बातें कह रहे हैं, और वीडियो ट्वीट करके कहा गया है कि इस तरीके के लोग एक्टिव है शाहीनबाग में जो देश को जो है तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो उसको गिरफ्तार कर लिया इन लोगों ने? बताओ जी, एक आदमी वीडियो में देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहा है, उसको गिरफ्तार करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तुरंत करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए नहीं चाहिए? ये गिरफ्तार नहीं कर रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ट्विटर वॉर तो क्यों चल रहा है आपका? क्या कह रहे हैं संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या कह रहे थे वो? यही बातें, इन बातों का जिक्र कर रहे थे कि इस वीडियो में ये कहा गया है। तो गिरफ्तार क्यों नहीं करते वो? किसने रोका है उनको? आज अगर दिल्ली पुलिस हमारे पास होती ना भाई साहब, 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके जेल में डाल देते उसको। देश की सुरक्षा के साथ हम राजनीति नहीं करते, ये लोग राजनीति करते हैं। अरविंद जी, लेकिन अपनी मांग को लेकर अगर एक एक सड़क, राजधानी दिल्ली की बात करें, एक एक सड़क जाम होने लगी तो अराजकता ही तो फैलेगी। तो मैं तो कह ही रहा हूं, अमित शाह जी को अभी तुरंत जाना चाहिए जहां जहां देश में धरने हो रहे हैं,
हर जगह जाके लोगों से बात करनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी बनती है। अरविंद जी आप तो अगर लोगों के अंदर किसी तरह की गलत फहमी है, वो कह रहे हैं गलत फहमी है, अगर गलत फहमी है जाके बात करो ना, क्यों नहीं बात कर रहे वो। और दूसरी तरफ मैं प्रोटेस्टर्स को भी कह रहा हूं, ऐसा कोई काम मत करो, हिंसा मत करो, कोई काम मत करो जिससे जनता को असुविधा हो। 11,000 बसें उतारेंगे सड़कों पे, बसें आनी चालू हो गई, फिर रोक रही हूं। गाड़ियां जितनी है उनकी तो लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, 40 मिनट का रास्ता 2 घंटे में, आप 11,000 बसें उतार देंगे तो सड़कें कहां? सड़कों पे गाड़ियां नहीं बंद हो जाएंगी ना, लोग फिर बसों में, बसें अच्छी होंगी, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रांग करने की, ट्रांसपोर्ट को स्ट्रांग करेंगे। महिलाओं का सफर फ्री रहेगा, स्टूडेंट्स का भी सफर फ्री करेंगे, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, इसके लिए काफी सारे प्लान बनाए हैं, 2 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाएंगे, यमुना को साफ करेंगे, डुबकी लगाएंगे, आपको साथ लेके चलेंगे, इनको सबको साथ लेके चलेंगे और आपको सबको डुबकी लगवाऊंगा मैं अगले 5 साल पर। दिल्ली को साफ करना है, करना है नहीं करना? बहुत कूड़ा है, नालियां भरी पड़ी हैं, दिल्ली को साफ करना है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे चप्पे चप्पे पे लग रहे हैं, सारी जगह स्ट्रीट लाइट्स लगवा रहे हैं, बस मार्शल लगा दिए, अब हर मोहल्ले में मोहल्ला मार्शल लगाए जाएंगे आप लोगों की सुरक्षा के लिए। सभी कच्ची कॉलोनियों में 7 चीजों की गारंटी दे रहा हूं, गली, सड़क, नाली, पानी, सीवर, सीसीटीवी कैमरे और मोहल्ला क्लिनिक, ये 7 चीजें सारी कच्ची कॉलोनियों में कर देंगे। 1797 कच्ची कॉलोनियां हैं, उनमें से 1281 कॉलोनियों में कर दिया, जो बच गए उनमें भी कर देंगे। और जो झुग्गी में लोग रहते हैं उन लोगों को इज्जत की जिंदगी देंगे, जहां उनकी झुग्गी है वहीं मकान बना के देंगे। लगभग 10,000 लोगों को हम मकान दे चुके हैं, बाकी सब लोगों को भी अगले अरविंद जी आपने कहा पॉइंट बोले तो मुझे याद आया कि आप चूंकि पॉइंट्स पढ़ रहे थे तो इसी पर भी हमला किया जा रहा है, ये कहके कि आखिरी के 5 महीनों में आपने जो कुछ कुछ काम कर दिए वो आप गिनवा रहे हैं, उसको गारंटी भी बता रहे हैं, उसको अपना रिपोर्ट कार्ड भी बता रहे, पर 5 साल कुछ नहीं किया। 5 साल भी बहुत काम किया, 5 महीने भी बहुत काम किया, काम होने से मतलब है, 5 महीने में किया, 5 साल में किया, जब मर्जी हो जाए काम। आप मार्शल्स की जो बात कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, पुलिस के साथ मिलके करेंगे, पुलिस में अभी बहुत कमी है, और मतलब पुलिस जो मार्शल रखने की बात लोगों कर रहे की वैकेंसी बहुत ज्यादा है, नहीं, ये दिल्ली सरकार हायर करेगी, दिल्ली सरकार हायर करेगी, जैसे बसों में मार्शल लगाए हैं हमने हायर किए, एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे, तो जो बसों के मार्शल हैं जब भी कुछ मिलता है तो 100 नंबर पे फोन करते हैं, पुलिस के साथ मिलकर काम करते हैं। मैं एक आपका छोटी सी समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूँ, और मुझे लगता है जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनको ज्यादातर इस समस्या से जूझना पड़ता होगा। वसंत कुंज की अगर मैं बात करूं तो आपने एक बाईपास बनाया महिपालपुर के जाम से बचने के लिए, अब जहां से आपने वो बाईपास बनाया वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन होने लगा है, ढाबे खुलने लगे हैं और वो एक दूसरा महिपालपुर डेवलप हो गया, तो क्या दिल्ली सरकार इन सब चीजों को लुक आफ्टर करती है कि हम जनता की सहूलियत के लिए अगर कोई नई योजना कोई नई सड़क बनाते हैं तो उस पर इंक्रोचमेंट ना हो, या इसके लिए एमसीडी जिम्मेदार है? इसको मैं दिखवाता हूं, अगर इंक्रोचमेंट है इसको तुरंत हटवाएंगे, इंक्रोचमेंट है और पूरी सड़क इसको तुरंत इलीगल पार्किंग में कन्वर्ट हो गया है, वो तुरंत हटवाएंगे इसको। चलिए अच्छी बात है, अच्छा वादा। चलिए आपने जो सवाल निकाल के दिया था, ये धर्मपाल सिंह है कस्तूरबा नगर से, इनका सवाल है दिल्ली देहात और अर्बन विलेज को स्पेशल कोटा मिलना चाहिए स्पोर्ट्स और एजुकेशन में। आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है जी, स्पोर्ट्स वालों के लिए, सबके लिए, एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं दिल्ली के अंदर, ये अपने आप में अजीबो गरीब यूनिवर्सिटी होगी। अभी जैसे आपका बच्चा मान लो क्रिकेट अच्छी खेलता है तो आपके दिल में धक-धक रहती है ना यार, पढ़ ले नौकरी तो मिल जाएगी, बाद में पता नहीं क्रिकेट में कुछ बने ना बने, सिलेक्शन हो ना हो, यही रहता है ना। जब नौकरी लेने जाते हो वो कहता है क्या है डिग्री, अब वो बच्चा ये तो कहेगा नहीं मैंने 4 साल क्रिकेट खेली थी जी, डिग्री तो है नहीं। तो अब हमने ये तय किया है जो बच्चे जो खेल खेलना चाहते हैं, क्रिकेट खेलने वाले को क्रिकेट में बीए देंगे, कबड्डी खेलने वाले को कबड्डी में बीए मिलेगी, तो जो खेल खेल रहे हैं उस खेल के अंदर उनको डिग्री मिलेगी। आप डिग्री तो देंगे पर उसकी मान्यता कितनी होगी बाहर, ये एक बहुत बड़ा सवाल है अरविंद जी। नहीं मान्यता तो जो भी यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी होगी, ग्रांट्स कमीशन से आप खुद ही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉपर डिग्री देंगे उनको। ओके। तो जब वो
मान लीजिए किसी नौकरी के लिए अप्लाई करना है, उसमें कहते हैं ग्रेजुएशन, तो ये ग्रेजुएट माना जाएगा, प्रॉपर ग्रेजुएट। ठीक है। दूसरा, आज मैं कह के जा रहा हूं, याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपने खिलाड़ी पीछे रह जाते हैं, हमारे मेडल नहीं आते। आज 2020 है, 2024 में अगला ओलंपिक है और 2028 में अगला। 2028 का ओलंपिक देख लेना, ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आपको खूब सारे मेडल लाके दिखाएगी। अगला सवाल वैशाली कुंवर, इनका कस्तूरबा नगर से सवाल है, पढ़ाई के लिए आगे क्या करेंगे आप एजुकेशन के फील्ड में? एजुकेशन के फील्ड में अभी 12वीं तक स्कूल अच्छे कर दिए, सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, उसमें पढ़ाई फ्री है बिल्कुल। तो जो जो लोग प्राइवेट स्कूलों से में नहीं पढ़ाना चाहते फीस की वजह से या जो भी है, आप सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। यहां तक कि अब तो जो लोग पढ़ा भी सकते हैं वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में प्राइवेट से निकाल निकाल के भर्ती करा रहे हैं। 12वीं के बाद ग्रेजुएशन के लिए हमने लोन का इंतजाम किया है। कॉलेज की पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है, बच्चे पैसे नहीं दे सकते, मां बाप पैसे नहीं दे सकते, तो हमारा ये कहना है भी 12वीं तक तो फ्री हो गया, 12वीं के बाद बच्चा अब अपने पैरों पे खड़ा हो तो उसको हम लोन देते हैं। लोन के लिए मां बाप को कोई गारंटी नहीं देनी, कुछ भी गिरवी नहीं रखना, जमीन गिरवी नहीं रखनी, घर गिर कुछ भी नहीं, फॉर्म भर दो। जो प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी बेकाबू होती जा रही है उसके लिए आप क्या कंट्रोल कर रहे हैं? 5 साल में प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी हमने, बच्चों के पैसे वापस कराए हमने, जो अभी भी बहुत ज्यादा है, अभी भी बहुत ज्यादा है, कईयों के पैसे वापस कराए, रिफंड कराए हैं, स्कूलों के ऑडिट कराए हैं। जिन जिन कई स्कूल ऐसे मिले जिन्होंने 30-30 करोड़ के FD करा रखे हैं, उनके हमने पैसे वापस कराए। शिक्षा की गारंटी की बात कर ही रहे हैं तो ये भी क्लियर कर दीजिए कि जो प्राइवेट स्कूलों पर लगाम आपने पिछले 5 साल तक लगाई रखी वो जारी रहेगी। भी कहते रहे कि नहीं बढ़ने देंगे, किसी भी प्राइवेट स्कूल को मनमानी नहीं करने देंगे, किसी भी प्राइवेट स्कूल को नाजायज फीस नहीं बढ़ाने देंगे। स्कूलों को ऑडिट कराना चालू किया हम लोगों ने कि वो जो फीस ले रहे हैं उतनी फीस की उनको जरूरत है कि नहीं है, उसके बेसिस पे हमने कई स्कूलों के पैसे वापस कराए हैं। ठीक है, अब मैं फिर दर्शकों के पास जाऊंगी, उनके सवाल लूंगी, लेकिन अब क्योंकि पढ़ाई की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है, तो एक बुनियादी सवाल, और क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारे बीच में है तो हमें उनकी राय जान लेनी चाहिए। JNU, AMU, जामिया, जिस तरीके से ये शिक्षा के मंदिर सियासत के अखाड़े बनते जा रहे हैं और बीजेपी का जो छात्र संघ है उसके खिलाफ तमाम विपक्षी दल खड़े हो गए, अरविंद केजरीवाल कहाँ हैं? उन विपक्षियों के साथ हैं या बीजेपी के छात्र संघ के साथ? मैं इस देश के सभी स्टूडेंट्स के साथ हूँ, और जिस तरह से अभी कॉलेज JNU के छात्रों को आप सही मानते हैं? मैं पूरे देश के सभी स्टूडेंट्स के साथ हूँ, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो भी राजनीति हो रही है वो राजनीति नहीं होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री जी की जिम्मेदारी है। मुझे बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब से ये गृह मंत्री बने हैं तब से दिल्ली के अंदर खासकर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। वकीलों की पिटाई होती है, स्टूडेंट्स की पिटाई होती है, चारों तरफ बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ चारों तरफ पिटाई नहीं होती है, DCP की भी, एक सिपाहियों की भी पिटाई हुई है, सिपाहियों की भी पिटाई, सिपाहियों की भी पिटाई होती है, हाँ। वकीलों की भी पिटाई होती है, स्टूडेंट्स की भी पिटाई होती है, बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली के अंदर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि गृह मंत्री को इस पे सीरियस नोट लेके अपना काम ठीक से अरविंद केजरीवाल की सलाह की बात करते हैं तो आप अब जो एक मुद्दा पिछले चुनाव में इतना मुखर हो के आप हर मंच से कहते थे अब नहीं सुनाई देता, पूर्ण राज्य की मांग क्यों नहीं हो रही है, उसको आपने अपने उसमें क्यों नहीं रखा है रिपोर्ट कार्ड में, तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं किसी भी मंच से? उसकी फुल स्टेट की मैं गारंटी नहीं दे सकता, पर वो मांग आपकी अभी भी जारी रहेगी। अभी 2-4 दिन में मैनिफेस्टो आएगा उसमें होगा वो जी, ये मांग आप अभी भी आगे जारी रखने वाले? मेरी मांग नहीं है, इन लोगों की मांग है। JNU पे प्रतिमा ने आपसे पूछ ही लिया, मेरा सवाल फिर यही है कि JNU में जो भी कुछ हुआ, जिस तरीके से हिंसक हुए या एक छात्रों के एक समूह के ऊपर आरोप लगा कि ये राजनीति कर रहे हैं, क्या वजह आप देखते हैं, क्यों ऐसा होने लगा? लॉ एंड ऑर्डर छात्र आंदोलन तो सदियों से होते आए हैं। वही मैं कह रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ वर्षों में बहुत खराब होती जा रही है। गृह मंत्री की जिम्मेदारी है देश की राजधानी की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की। उन्हें अपनी दिल्ली के स्कूल में अगर कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे पास आओ, दिल्ली के स्कूल के बच्चों अस्पतालों में कोई प्रॉब्लम हो, दवाइयां नहीं मिल रही हो, मेरे पास आओ, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है अमित शाह जी के पास जाओ।
मैं एक समस्या की ओर, आपने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों, दिल्ली के हॉस्पिटल्स की बात करो, मैं आपका एक ध्यान दिलाना चाहती हूँ एक समस्या के ऊपर। मैं अभी कुछ डॉक्टर्स के साथ बैठी हुई थी, तो उनका यही कहना है कि आयुष्मान भारत की योजना केंद्र सरकार लेके आती है, राज्य सरकार अपनी एक हेल्थ स्कीम लेकर आती है, उसके चलते जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भयंकर लॉस में जा रहे हैं, जो छोटे नर्सिंग होम्स हैं उनके बंद होने की नौबत आ गई है। तो क्या आपके ध्यान में है ये समस्या? ये बहुत अच्छी पॉइंट उठाया आपने। ये कह रही हैं कि दिल्ली में हमने सारे अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में दवाइयां इलाज फ्री कर दिया, तो प्राइवेट अस्पताल वाले कह रहे हैं जी हमारे अस्पताल बंद हो रहे हैं, कुछ करो। यही आपका प्रश्न है? मेरा प्रश्न ये है कि आपको डॉक्टर्स को भी एड्रेस करना पड़ेगा, उन नर्स को भी एड्रेस करना पड़ेगा जो बहुत कम खर्चे में छोटे नर्सिंग होम्स गरीबों के लिए चला रहे हैं, लेकिन अब फ्री मेडिकल सेवाओं की बात, अगर इतनी ज्यादा उनके ऊपर दबाव होगा तो उन्हें बंद करने पड़ रहे हैं। मेरा ये सवाल है, मेरी जिम्मेदारी इन लोगों के प्रति है, इनका इलाज करवाना है। वो डॉक्टर दिल्लीवासी नहीं है? दिल्लीवासी हैं, दिल्लीवासी हैं, लेकिन मेरा ये थोड़ी है कि अब सारे सरकारी अस्पतालों को बंद करके प्राइवेट वालों का मुनाफा करवाने का मैं काम करूंगा। केंद्र सरकार का जिक्र कर रहे हैं, बजट पेश होने वाला है, दिल्ली के लिए कोई खास उम्मीद कर रहे हैं? मैं अपील करता हूं, वैसे तो मेरे को कई लोगों ने कहा कि चुनाव का टाइम है और चुनाव में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कोई भी नई घोषणा नहीं हो सकती, ना केंद्र सरकार कर सकती ना दिल्ली सरकार। तो कई लोगों ने मेरे को आके कहा कि हम इलेक्शन कमीशन से कहें, कोर्ट में जाएं कि बजट को पोस्टपोन किया जाए। मैंने कहा नहीं, गलत बात, बजट होना चाहिए, देश के लिए बजट जरूरी है, बजट होना चाहिए, उनको फायदा मिलता हो ले ले फायदा। लेकिन मेरी उनसे अपील है, दिल्ली के लिए खूब घोषणाएं करें, चिंता ना करें, सारी घोषणाएं करें। झगड़ा पिछले 5 साल हमने देखा, फिर आपको कई बार अपनी मांग के लिए एलजी और दफ्तर के आगे धरना देना पड़ा, लंबे समय तक आप वहीं बैठे रहे। अब ये कोऑर्डिनेशन इस बार अगर आप आते हैं सत्ता में कैसे बनाएंगे कि लोगों का काम ना रुके? क्योंकि आप कह रहे हैं कि केजरीवाल है तो लोगों का काम होता रहेगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन तो मिसिंग रहा पिछली बार। नहीं, अब 1.5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था, सुप्रीम कोर्ट ने पावर्स डिफाइन कर दी है। पहले दिल्ली सरकार की सारी फाइलें एलजी साहब के पास जाया करती थी, इस वजह से दिक्कत होती थी, एलजी साहब फाइल लेके बैठ जाते थे। 1.5 साल से एलजी साहब के पास फाइलें जानी बंद हो गई हैं। अब चुनी हुई सरकार के पास पावर्स हैं 3 सब्जेक्ट्स को छोड़ के, पुलिस, लैंड एंड लॉ एंड ऑर्डर, तो अब दिक्कत होगी नहीं। प्रदूषण की आप लगातार बात करते हैं, ऑड इवन की बात करते हैं, उसमें ओला उबर की भी बात होती है। मेरा सवाल यह है कि ओला उबर क्या उनकी संख्या के ऊपर कोई सरकार की नजर है कि वो कितनी सड़कों पर होनी चाहिए? क्योंकि वो इलीगल हर जगह पार्क्ड होती हैं, लोगों को परेशानियां होती हैं, जितनी सुविधा नहीं है ओला उबर से उससे ज्यादा उनकी इलीगल पार्किंग से लोग परेशान हैं, रेजिडेंट्स परेशान हैं, मुझे लगता है ऐसा होगा। बिल्कुल, इसके ऊपर जब कह रही है, इसके ऊपर हमने कई बार सख्ती की है, जब जब भी कंप्लेंट्स आती हैं। एक बार तो इनकी कई सारी गाड़ियां हम लोगों ने जब्त कर ली थी, तो जो भी जब भी ये गड़बड़ करते हैं किसी भी तरह की, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। क्योंकि बात केवल इलीगल पार्किंग की नहीं है, बात महिलाओं की सुरक्षा की भी है। अगर ये गलत तरीके से चलाते हैं, गलत ड्राइवर्स होते हैं जिनकी वेरिफिकेशन वगैरह नहीं होती, तो उससे हमारी महिलाओं की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है। आपने कहा कि प्रदूषण आप दिल्ली में ठीक करेंगे, कैसे करेंगे? पराली तो हरियाणा में, फिर आप एक बार हरियाणा को, पंजाब को जिम्मेदार ठहराएंगे? एक तो हरियाणा के चुनाव में 1 महीना दिल्ली में पराली की समस्या रहती है जी। उसके अलावा फरवरी से लेकर अक्टूबर के महीने तक हमने प्रदूषण दिल्ली में कम किया है। जब हमारी सरकार बनी जी, इतनी धूल है सड़क के ऊपर, आप देखते हैं दोनों तरफ। आ रहा हूं। शायद यहाँ लोग जो बैठे हैं वो भी सहमत होंगे मुझसे। नहीं, मैं भी सहमत हूँ उनसे, क्यों? तो आपको तो खांसी पहले 155 एयर क्वालिटी इंडेक्स होता था जी, अब 115 हो गया है, साल भर का जो एवरेज है। लेकिन फरवरी से, अक्टूबर से फरवरी के बीच में काफी पोल्यूशन रहता है, इसको भी कम करेंगे। इसके लिए एक जो सबसे बड़ा, एक तो 2 करोड़ पेड़ लगाएंगे मैंने लिखा हुआ है, सबसे बड़ा एक जो वो होने वाला है, 11,000 बसें जब आ जाएंगी तो मुझे उम्मीद है कि दिल्ली में ट्रैफिक में भी थोड़ी सी वो मिलेगी और प्रदूषण भी कम होगा, गाड़ियां कम होंगी, स्कूटर कम होंगे, मोटरसाइकिल कम होंगे। तीसरा, डस्ट पोल्यूशन को रोकने के लिए वैक्यूम क्लीनिंग की हम व्यवस्था करेंगे। चौथा जो सबसे बड़ा एक कारण है, अभी इस वक्त हवा में कितना पोल्यूशन है और किस किस कारण से है, इसको एसर्टन करने के लिए कोई मशीन नहीं है अभी।
हमने मशीन मंगाई है, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से मंगाई है, 1 अप्रैल से चालू हो जाएगी, तो मुझे पता चलेगा कि अभी इस वक्त किस कारण से प्रदूषण है, उस एक्टिविटी को उसी वक्त रोका जा सकता है। ठीक, गौतम गंभीर ने एयर प्योरिफायर टावर लगाया और कह रहे हैं कि आप लोग इस समस्या को लेकर गंभीर नहीं है, क्या कहेंगे? उससे कुछ फायदा हो रहा है? टावर लगाना तो आसान बात है मतलब, लेकिन अगर फायदा हो रहा है तो हम और लगा देंगे। अभी मुझे कोई ऐसा पता नहीं चला कि उनका कोई फायदा हो रहा है। ये जो स्मॉग टावर बात की जाती है, एक और बड़ी योजना आपने कहा है कि 14 सड़कें, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप करेक्ट करें मुझे, आपने रीडिजाइनकरण के लिए रीडिजाइन करेंगे, तो वो किस इलाके की सड़कें हैं? वो पूरी दिल्ली के अंदर हमने 14 सड़कें टेस्ट बेसिस पे की हैं। जैसे आप विदेशों में जाते हो, आपको इतनी साफ सुथरी हरी भरी सड़कें, बिल्कुल अच्छे वो फुटपाथ मिलते हैं, दिल्ली की सारी सड़कों को उसी तरह से हम बनाना चाहते हैं। सिर्फ बनाने से हो जाएगा या लोगों को शिक्षित भी करना पड़ेगा? दोनों करेंगे। आप देखें, यही लोग जब इस अंसल प्लाजा के अंदर जाते हैं तो कूड़ा नहीं फेंकते, बाहर आते हैं तो कूड़ा फेंकते हैं, क्योंकि वह गंदगी होती है। अगर आप दिल्ली को चमका दो तो इनमें से कोई कूड़ा नहीं फेंकेगा। ठीक है, इस बार कितनी सीट? इस बार कितनी सीट मुझे नहीं पता, यही देंगे जो देंगे। ठीक है अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए, और यहाँ मौजूद सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।